स्टूडेंट, DDSA में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेंट एडिटिव्स। पेंट एडिटिव्स क्या है? पेंट एडिटिव्स वे रासायनिक पदार्थ हैं जो फिल्म में किसी खास गुणों को विकसित करने के लिए अथवा किसी खास कमियों को दूर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर तथा परफॉर्मेंस केमिकल भी कहा जाता है। जो एडिटिव्स होते हैं वो हमारे टू टाइप्स के रहते हैं, सॉल्वेंट बेस्ड पेंट में यूज़ किए जाते हैं, वाटर बेस्ड पेंट में यूज़ किए जाते हैं। जो हमारे सॉल्वेंट बेस्ड पेंट में यूज़ किए जाते हैं वो हमारे बैटिंग एंड डिस्पर्सिंग एजेंट होते हैं, एंटी सेटलिंग एजेंट होते हैं, एंटी स्किनिंग एजेंट, एंटी फ्लोटिंग एजेंट या फिर एंटी फ्लोडिंग एजेंट, फंगेसाइड। और वाटर बेस्ड पेंट में यूज़ करने वाले हमारे होते हैं इमल्सीफायर, एंटी फोमिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट, क्लोसनिंग एजेंट, सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट, एंटी रस्टिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, बैट एज एजेंट एंड फ्रिश थ्रो स्टैंडर्ड। आप करते हैं कि बेटिंग एंड डिस्पर्सिंग एजेंट क्या है। जिस टाइम हम पेंट बना रहे होते हैं, पेंट बनाते टाइम जो जितना भी आपका रॉ मटेरियल होता है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में आता है, तो हम क्या करते हैं उसको ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड मतलब कि उसे जब पीसा जाता है, पीसते टाइम क्या होता है, अगर हमारी पिगमेंट की मिक्सिंग सही से नहीं हो रही, ये पिगमेंट की ठीक से ग्राइंड नहीं तथा मिक्सिंग में मदद करता है। अगर हमारा पिगमेंट सही से ग्राइंड नहीं होगा, पीस नहीं पाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, बैटिंग एंड डिस्पर्सिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। बैटिंग मतलब उसको ये हल्का सा गीला करेगा, मतलब हल्का सा उसमें मॉइस्चर आएगा, और मॉइस्चर होने का ये क्या करता है, चारों तरफ उसको डिस्पर्स कर देता है। डिस्पर्स हमारा पिगमेंट भी होता है। पिगमेंट को हम जैसे ही सॉल्वेंट में डालते हैं वो हमारा क्या होता है, पेंट में पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाता है, पूरी तरह से फैल जाता है। और डाई क्या होता है, डाई हमारा एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, उसको हमें मिक्स करना होता है। तो पिगमेंट की मात्रा के अनुसार जितना हम पिगमेंट मिलाते हैं उसके बेस पर हम बैटिंग, अगर हमको उसको बैट करना है तो हम बेटिंग एजेंट मिलाएंगे, नहीं तो हमें उससे डिस्पर्स करना है तो डिस्पर्सिंग एजेंट मिलाते हैं। दोनों हमारे एक ही नहीं होते। पिगमेंट की मात्रा के अनुसार 0.5 से 2% प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हमारा सोया लेसिटेन। और एंटी सेटलिंग एजेंट क्या है, अगर आपका पिगमेंट आपका नीचे बैठ जाता है या फिर उसकी तरह से बाइंडिंग नहीं हो पाती है तो वो हमारे एंटी सेटलिंग एजेंट के थ्रू किया जाता है। इन्हें एंटी सेक तथा बाइंडिंग एजेंट भी कहा जाता है। कभी कभी ठीक से ग्राइंडिंग तथा मिक्सिंग ना होने पर के कारण जो हमारा पिगमेंट क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, सेट हो जाता है, तो उस सेटलिंग को रोकने के लिए एंटी सेटलिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है, जैसे एल्यूमिनियम स्टीरेट या फिर बेंडलाइट। थैंक यू।